कर रही है। जाहिर तौर पर एके मिश्रा जी के शब्दों में एक छोटा सा एक टूल है उसका। देखिए, अगर एज ए एक्सपर्ट मुझे इस बात का जवाब देना हो आपके सवाल का, तो मैं ये बोलूंगा, एक होता है पॉलिटिकल मायोपिया। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मौके एक ही एनवायरनमेंट में, देश एक ही है, सबके पास जो है मौके हैं। देखिए, यहां पे जब आप एग्जीक्यूशन करने के लिए जाते हो किसी काम का, तो भावनात्मक नहीं होना चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल कि टिकट देना है, अरे टिकट आपको जीतने वाले कैंडिडेट को देना है कि ये मेरा भतीजा है उसको देना है, तो डिसीजन आप कैसे ले, इस एग्जांपल से एकदम सही जो है प्रूव हो चुका है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, प्रियंका गांधी के सहारे यूपी में कांग्रेस रिवाइव कर सकती है? ये आपके दल में नहीं और दूर दूर तक आपके दल में हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं हमेशा बोलूंगा, सारी पार्टियों के लिए मैं बोलूंगा, हमेशा रिवाइवल के चांसेस हैं। रिवाइवल के कुछ जो है, कुछ क्या, मैं आपको फिंगर पे गिना सकता हूँ, चार बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी प्रिंसिपल पे आपको काम करना है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एके मिश्रा जी हैं, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। जज कर सके कि भरोसा किस बुनियाद पर करें? एके मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। एके मिश्रा जी, जैसा कि इस चर्चा की शुरुआत में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के दौर कई सारे ऐसे आए गए, आपने देखा होगा कि किस तौर पर कांग्रेस उठी, गिरी, फिर से उठी, खड़ी हुई। ये जो बीते 5-6-7 सालों में दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वैसी कोई कोशिश दिख रही है? देखिए, डेफिनेटली जब्बार, मैं आपको बताऊं, ये बात केवल कांग्रेस की ही नहीं है। अगर सपा का लिया जाए तो मुलायम सिंह यादव जी कहाँ झोपड़ी में रहते थे और कहाँ तक सक्सेस हुए। आप आरएसएस की बात करिए, आप बीजेपी की बात करिए, हम निष्पक्ष होकर के इस बात की एनालिसिस करते हैं। कभी बीजेपी 2 सीटों पर होती थी, आज उसका एक छत्र राज्य है, रिप्लेस किया गया कांग्रेस को। रही बात ये कैलेंडर की, तो एक होता है पॉलिटिकल पार्लेंस। पॉलिटिकल पार्लेंस मतलब कि आपकी पहुंच, आपके सोच, आपके पार्टी के विचार की पहुंच, आपके नेता की पहुंच हर घर तक हो, हर गांव तक हो। उसके लिए ये जो प्रमोशन का एक टूल है, ओवरऑल इंटीग्रेटेड जो सिस्टम चाहिए चुनाव जीतने के लिए, उसमें ये एक टूल है। और संविधान के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो सारी पार्टियां करती हैं, कोई टीवी पे एडवर्टीजमेंट देती है, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें टूल होती हैं पब्लिक से कनेक्टिविटी के लिए। अगर कांग्रेस ये कर रही है तो डेफिनेटली न केवल कांग्रेस को, सारे पार्टियों को ये करना चाहिए। ये राजनीति का एक आवश्यक पार्ट है ताकि कॉम्पिटिशन बढ़े। राजनीति में भी एक छत्र राज्य होना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है, मैं मानूंगा। ठीक है, इसका कितना परिणाम आता है ये दूसरे खंड में डिबेट के हम कर सकते हैं, जो है बहस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट का, उसका एक छोटा सा पार्ट है, टूल है, ये एक अच्छी पहल है। कर रहे हैं, मगर एक वो पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में कहा जाए कि वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है, क्या इस टूल के माध्यम से ही, आपको क्या बीते 2-3-4 सालों के बीच में 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद में कुछ ऐसा देखा कि कुछ नया किया गया है? पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश उस स्तर की हुई है जिसके जरिए कहा जाए कि हम सत्ता में वापसी करेंगे? देखिए, मैं आधा अधूरा प्रयास किया गया, मैं आपको बताऊं, प्रयास इन्होंने काफी किए। जैसे प्रियंका गांधी को अगर यूपी से लॉन्च किया गया था, केवल स्टार्टअप, स्टार्ट कर देना, उद्घाटन कर देना, वो मतलब सफिशियंट नहीं होता है। राजनीति हर दिन चलने वाली सतत प्रक्रिया है, आपको यहाँ पे रोज काम करना होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्शन के 2-3 महीने पहले आप। दूसरी तरफ मंडल कमीशन के की वजह से जो एक पूरी फेजा बनी, तो कहीं ना कहीं उसमें नफा नुकसान या फिर फायदा हासिल करने की कोशिशों को कामयाबी दिखती है। मौजूदा वक्त में एके मिश्रा जी, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के फेवर में तो ऐसी कोई चीज दिख नहीं रही है कि हो क्या रहा है, इस चीज का फायदा कांग्रेस उठा सकती है, कांग्रेस इसको भुना सकती है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। और ऐसे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, ठीक है, आप जो कोशिश कर रहे हैं हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको नकार नहीं रहे, मगर इस पूरी पिक्चर की अगर बात करें तो ये कोशिशें तो पूरे तौर पर नाकाफी हैं। देखिए, अगर एज ए एक्सपर्ट मुझे इस बात का जवाब देना हो आपके सवाल का, तो मैं ये बोलूंगा, एक होता है पॉलिटिकल मायोपिया। ऐसा नहीं है कि मौके नहीं है, चाहे विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, मौके एक ही एनवायरनमेंट में, देश एक ही है, सबके पास जो है मौके हैं, लेकिन उसको देख पाना, मौके को, जो लेटेंट मौके हैं उसको देख पाना, उसको पहचानना, उसके हिसाब से अपनी रणनीति को डेवलप करना और एग्जीक्यूट करना, इस चीज में कहीं ना कहीं कमी। मैं बोलता हूं, पीछे जो इलेक्शन हुआ था 2022 का, डेफिनेटली सपा और कांग्रेस ने इसीलिए किया था क्योंकि इनके पास ये एक मौका था, लेकिन उस मौके को वो इनकैश नहीं कर पाए। रीजन ये हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी। मौकों की कमी नहीं है, मैं बोलता हूं हर दिन एक नया अवसर है,
सारी पार्टियों के लिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, जो उस मौके को देख करके स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से बना के अपने आप को पब्लिक से कनेक्ट कर लेता है, डेफिनेटली उसकी जीत होती है। तो मौकों की कमी नहीं है, जरूरत है अपनी रणनीति को बदलने की, फिर से सोचने की, ग्राउंड पे एक्टिवेट करने की और करवाने की। अगर आप उस लेवल पे जाकर के अगर आप फोर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी बदल सकते हैं, बाजी आप भी पलट सकते हैं, जनता को कुछ हासिल हो कि आखिर दिक्कत कहां है और कहां की मुश्किल है। चलिए, आपकी राजनीतिक सोच है, एक मिश्रा जी सोच पर मेरा कोई सवाल ठीक है। मनोज तिवारी जी आते हैं आपकी तरफ, मनोज तिवारी जी आप सहमत हैं अमलेंदु जी की बातों से? देखिए, अमलेंदु जी की बातों से मैं सहमत हूँ पार्शियली, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। हमारे जितने भी प्रवक्ता मित्र बैठे हुए हैं, चूंकि ये मजबूर होते हैं एक विचारधारा को, हम ही जीतेंगे, हम जीतेंगे। अब जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, आप याद करिए, खिलाफत कुतुबसुनिया की जो रियासत थी, इतनी बड़ी अंग्रेजों की रियासत इतनी बड़ी थी, वो टूट गई, बिखर गई। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ठीक है। आज बीजेपी यहाँ पे बैठी है, उनको लग रहा है अच्छा चीज है, कॉन्फिडेंस। कांग्रेस की भी सत्ता 50 साल 60 साल थी, वो भी टूट गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर विपक्ष को, किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, आगे जाना है आपको, या तो आप बैठे रहिए 10 साल 20 साल 5 साल 100 साल 150 साल 200 साल बाद जब वो रियासत इनकी टूटेगी तब आप जो है वहां पे बनाइए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको टाइम को नैरो करना पड़ेगा, और टाइम को नैरो करने के लिए ग्राउंड लेवल पे बढ़िया स्ट्रेटजी बना के आपको स्पीड अप तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना पड़ता है। दिखता है कि मौजूदा वक्त में 2014 के बाद में वैसी स्थिति बना पाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? नहीं हो पाएगा, उसके पीछे कारण नहीं, 2022 का मैं बोल सकता हूं नहीं हो पाएगा, उसके पीछे कारण है। मैंने बोला, अगर कोई ये सोचे कि हम 6 महीने साल भर 2 साल में काम करके कर लेंगे, चुनौतियां इतनी जबरदस्त है, उस हिसाब से आपको रोज काम करना पड़ेगा, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। बीजेपी की एक खूबी है कि कोविड हो या कुछ भी हो, इनका कोई न कोई पॉलिटिकल कैंपेन किसी न किसी कारण से चलता रहता है, चाहे ऑनलाइन चले चाहे ग्राउंड पे चले। अच्छा, विपक्ष में मैंने ये देखा है, जब कोई विशेष अवसर आएगा, कुछ होगा, तो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आ जाते हैं, फिर सब एकदम ठंडे हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी कभी भंग नहीं होनी चाहिए सर, ये एक बहुत जबरदस्त कमजोरी है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, हर दिन आपको काम करना है, तब जाकर के आप कर पाएंगे, ठीक है। वो लक बाई चांस होता है कि एक दिन में ही पूरा पासा पलट गया, कोई ऐसा मुद्दा आ गया, या तो उसके भरोसे बैठे रहिए, या हर दिन काम करके, हर दिन जनता से कनेक्टिविटी करके आप उनका दिल जीतिए। आप चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, आपको काम तो करना ही पड़ेगा सर। जनता से कनेक्टिविटी आपको ये मान के बनानी पड़ेगी कि हम ही सत्ता पक्ष में है। जब ये मान के आप काम करेंगे, सेवा भाव से अपने उत्तरदायित्व की आप पूर्ति करेंगे, तभी आप बदल पाएंगे। अदरवाइज माहौल और चैलेंजेस बहुत कॉम्पिटिटिव है सर। जिस हिसाब से बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई हुई है, उस हिसाब से उस चक्रव्यूह को तोड़ना एक चैलेंज जरूर है। किसी बड़े साहस की जरूरत है, ये एक साहस की भी कमी नहीं। आपका ये प्रश्न वाकई में बड़ा जेन्यून है। आज के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में अगर ये देखा जाए तो पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल स्ट्रेटजी या संगठन होता है, सबसे पहले शुरुआत या चेंज वहां से होना चाहिए। नो रिस्क नो गेन वाली बात यहाँ पे, प्रिंसिपल फार्मूला यहाँ पे भी लागू होता है। वो दिन भी था जब आपने सही बोला कि इंदिरा गांधी ने ये रिस्क लिया, उन्होंने पार्टी का 2 फाड़ किया, उसके बाद उनके पास ऑफिस नहीं था तो एक छोटे से जो है कमरे से उन्होंने पार्टी की नींव रखी, फिर बड़ी। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं पार्टी इस चीज का डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हमें किस तरीके से सर्जरी करनी चाहिए, पार्टी की स्ट्रेटजिक सर्जरी हमें किस तरीके से करनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन कौन से लोगों को कहां कहां पे लगाना चाहिए, कौन प्रवक्ता हो, कौन रणनीतिकार हो। जब तक ये सब चीजें आप पहले डिसाइड नहीं करेंगे, ग्राउंड पे आपका एग्जीक्यूशन बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। बीजेपी में ये खूबियां हैं, देखिए जिसमें ये खूबियां होंगी वो आदमी या वो पार्टी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात करके तो बीजेपी रखे हुई ना, कांग्रेस पार्टी में बीते कुछ महीने पहले 22-27 लोगों ने चिट्ठी लिखी, उनकी नाराजगी पार्टी के भीतर किस तौर पर है? नहीं देखिए, बात केवल नाराजगी की ही नहीं है, मैं ये बोलता हूँ नाराजगी और खुशामद, खुशी और नाराजगी दोनों चीजों से पार्टियां जो है इस तरीके से नहीं चलती है। वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड, उस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए, उससे चाहे कोई नाराज हो या चाहे खुश हो। मैंने आपको एक टर्म यूज किया है, पॉलिटिकल सर्जरी, स्ट्रेटजिक सर्जरी किस तरीके से करनी। इंदिरा गांधी का आपने उदाहरण दिया, तो क्या उन्होंने सोचा था कि ये नाराज होंगे ये खुश होंगे? शायद नाराज ज्यादा लोग हुए थे, जो लोग खुश थे उनके विचारों से जो प्रभावित थे उनको लेकर के शुरू किया। बीजेपी में भी ये स्ट्रेटजिक खूबी है, मैं आपको बताऊं,
कि अगर उनको कुछ करना है, उनको लगता है कि ये हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो वो उसको करते हैं, चाहे कोई पार्टी का लीडर नाराज हो या चाहे कोई खुश हो, उस चीजों पे नहीं। देखिए, यहां पे जब आप एग्जीक्यूशन करने के लिए जाते हो किसी काम का, तो भावनात्मक नहीं होना चाहिए। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल कि टिकट देना है, अरे टिकट आपको जीतने वाले कैंडिडेट को देना है कि ये मेरा भतीजा है उसको देना है, तो डिसीजन आप कैसे ले, इस एग्जाम्पल से एकदम सही जो है प्रूव हो चुका है। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, एक मिश्रा जी, प्रियंका गांधी को लोग कहीं ना कहीं, कई सारे लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी से मेल खाती हुई दिखती हैं, क्या महज दिखना भर उनकी इंदिरा गांधी की क्षमताएं प्रियंका गांधी के अंदर आपको लगता है कि उस अंदाज में ये चल रही है, चल पा रही है, या चलने का वो ट्रैक दिख रहा है? इसका साइंटिफिक एनालिसिस ये है, जो विजुअल्स होते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन किसी को किसी से भी कोरिलेट करने के लिए तो वही होता है ना। आप कहीं पे भी देखिए, लुक जो होता है वो सबसे पहला इंप्रेशन डालता है परसेप्शन बनाने के लिए पब्लिक के दिमाग में। तो कांग्रेस ने ये अच्छा किया। देखिए, पार्टियों के पास जो पास्ट में धरोहर होती है, उनके जो सक्सेस स्टोरी होती है, जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं, उन्हीं को लेकर के हम, भाई बीजेपी भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हेगड़े साहब की फोटो हर जगह लगती है जो है, तो वो उन लोगों को यूज करती है, ये भी एक स्ट्रेटजिक टूल है, लेकिन केवल इतना ही सफिशियंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया, पॉलिटिक्स अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है सर, जो लगातार चलती रहती है, उसमें बहुत सारे जो है आप देखेंगे स्ट्रेटजिक स्टॉपेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर को माइक्रो और मैक्रो लेवल पे आपको समझ करके उस हिसाब से रणनीति डेवलप करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना। आपकी लुक इंदिरा गांधी के जैसी है, तो आपकी सोच, आपके डिसीजन और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी इंदिरा गांधी के जैसी क्यों नहीं है? ये चीज भी हो सकता है। अखिलेश यादव की लुक उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव की तरह है, लेकिन आपकी ओवरऑल पॉलिटिकल एफिकेसी क्यों नहीं उनकी तरह है? लालू प्रसाद यादव के जो लड़के हैं आप देखिए, शायद उनके अंदर वो महारत नहीं है जो लालू प्रसाद यादव के अंदर था कि एक आदमी झोपड़ी से उठ करके मुख्यमंत्री तक पहुंचा। वो बात दूसरी है कि उनका पॉलिटिकल करियर क्या था क्या नहीं था, लेकिन संघर्ष तो उन्होंने भी किया और इस लेवल तक गए। तो चुनौतियां तो अब भी वैसी ही है, इन लोगों को प्रूफ करना है उस हिसाब से। अमलेंदु जी, तो क्या पार्टी के दूसरे नेता भी यही चाहते हैं? पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष रहे? मंत्रिमंडल में इन्हीं का बोल बोला था, तो सारे मंत्री यानी पूरी सरकार चाहती थी, और राहुल गांधी जी का नाम भी प्रपोज किया गया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। उन्होंने उस वक्त भी मना कर दिया, अभी भी मना कर रहे हैं कि हम पार्टी को हेड नहीं करेंगे, कोई और करे। ये मुद्दा क्या है कि मैंने आपको बोला, इंटरनल जो डायनामिक्स है उसको मैनेज करना सबसे पहले वो जरूरी होता है। अगर कोई भी पार्टी इस चीज को मजबूती से मैनेज कर ले गई, तो आगे के रास्ते, उसके रास्ते के जो कांटे होते हैं, वो बहुत मुश्किलें बहुत साफ हो जाती हैं। अब ये देखना है कि विपक्ष की सारी पार्टियों के साथ चैलेंज यही है, कैसे वो उसको मैनेज करती है। शुरुआत अपने अंदर से ही करें। मनोज तिवारी, ठीक है, एक आखिरी कमेंट के मिश्रा जी, एक लाइन में, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। एक मिश्रा जी, प्रियंका गांधी के सहारे यूपी में कांग्रेस रिवाइव कर सकती है? ये आपके दल में नहीं और दूर दूर तक आपके दल में हो ही नहीं। देखिए, मैं हमेशा बोलूंगा, सारी पार्टियों के लिए मैं बोलूंगा, हमेशा रिवाइवल के चांसेस हैं। रिवाइवल के कुछ जो है, कुछ क्या मैं आपको फिंगर पे गिना सकता हूँ, चार बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी प्रिंसिपल पे आपको काम करना है। सवाल यह है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपका टैक्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट और ऑपरेशंस ग्राउंड लेवल पे, अगर ये चारों पार्ट आपके सिंक हैं, सही है, परिस्थिति के हिसाब से उचित है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। कामयाब कर रही है, जाहिर तौर पर एक मिश्रा जी के शब्दों में एक छोटा सा एक टूल है उसका, लेकिन उस बातचीत की, उस कनेक्टिविटी का असर जनता पर कितना पड़ता है, वो कितना विश्वास जता पाएगी, उसके लिए ज्यादा बड़े स्तर पर मेहनत करने की जरूरत होती है।